हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं पालक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो आपने पहले शायद कभी ना खाई हो। अगर नहीं खाए तो तैयार हो जाए, बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने थोड़े से पालक के पत्ते लिए हैं, धो लिए हैं अच्छे से, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं। बस अब चलते हैं बनाने इसको। इसको बारीक काट लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पालक को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, पालक को डाल दिया। थोड़े से पालक थे, 12-15 पत्ते होंगे पालक के, और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमने अंदाजे से ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, फ्रेश हरा धनिया है। और इसके अंदर एक प्याज कटा हुआ, ये एक बड़े साइज का ही टमाटर था मैंने कटा हुआ डाला। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने, पेस्ट नहीं लिया, घर में ग्राइंड किया, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है, और 1 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का भी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालें या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। मैं करीब इसके अंदर 1/2 बाउल बेसन का डाल रही हूँ इतने सामान के अंदर। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी पानी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालेंगे, एक बैटर तैयार हो जाएगा हमारा। एक बार आप ये ब्रेकफास्ट बना लेंगे ना, ये नाश्ता इतना हेल्दी और इतना टेस्टी ये नाश्ता बन के तैयार होता है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा इसके अंदर अब पानी जाएगा, पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बेसन की ज़रूरत और है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन, करीब 2 चम्मच बेसन और डालूँगी, इतना बेसन काफ़ी है। अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा तैयार है, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, बेसन जो है पूरी तरह से सेट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तवा हमारा जो है गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी लगा लेते हैं। आप तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने घी स्प्रेड कर लिया है तवे के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना बैटर। लो मीडियम रखी है हमने फ्लेम जो है, बड़े आराम से बैटर जो है इस तरह से टैप टैप करते हुए फैल जाता है। इसको हम थोड़ा सा सिक लेने देंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको एक लिड के साथ ढक दिया है, ताकि अंदर स्टीम के साथ ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा ये पक जाए। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी जो ये हमारा बेसन है ना, ऊपर से भी आपको दिख रहा होगा सूखा हो गया, यानी ऊपर से भी पक गया। तो इस तरह से अब थोड़ा सा, अगर आप घी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर आप बिना घी के खाना चाहते हैं, तो मैंने नॉन स्टिक तवा जो है यूज़ किया है, तो आप इसके ऊपर बिना घी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा घी स्प्रेड किया है। और थोड़ा सा इसी तरह से हम ढकेंगे और इसको पका लेंगे। तो ये हमारा पालक का जो बहुत टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। टेस्टी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये हेल्दी भी बहुत है और बनाना भी बहुत इजी है। आपने देखा ही है कि इसको बनाना कितना इजी है। तो फ्रेंड्स, हम एक बार पलट लेते हैं दूसरी तरफ भी। इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर बनाया है, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार हुआ है पालक का नाश्ता। हल्के से हम इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा लेते हैं और इसको एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको सॉस के साथ फ्रेंड्स, चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ आप किसी भी तरह इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नाश्ता जो है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजी से इजी रेसिपी का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।